देवरिया हत्याकांड का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि देवरिया हत्याकांड मामले में सियासत अब फिर से जोरों पर है। इस हत्याकांड में बीजेपी सरकार को घेरने में लगे अखिलेश यादव खुद देवरिया पहुंच गए हैं। दरअसल सोमवार को देवरिया सामूहिक हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने सपा प्रमुख अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे। पहले तो अखिलेश यादव ने सत्यप्रकाश दुबे समेत 5 मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अखिलेश यादव ने उस घर का दौरा किया जहां 2 अक्टूबर को कत्लेआम हुआ था। उस वीरान घर के अंदर घुसते ही अखिलेश हैरान रह गए क्योंकि घर की दीवारें खूनी मंजर की गवाही दे रही थी। घर का सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा था। जब अखिलेश यादव उस घर का दौरा कर रहे थे उसी दौरान सत्यप्रकाश दुबे के परिवार कोई सदस्य मौके पर मौजूद नहीं था। अखिलेश यादव के देवरिया दौरे से पहले ही सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने एक वीडियो जारी कर मिलने से इनकार कर दिया था। साथ ही खुद की जान का खतरा बताते हुए अखिलेश को देवरिया आने से रोकने की अपील की थी। इसको लेकर देवेश दुबे ने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा था। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के बंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया। और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के गोए नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा जान माल का भी हम खतरा है। बावजूद इसके अखिलेश यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे और सभी मृतकों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के देवरिया पहुंचने के बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अब दूसरे पक्ष मृतक प्रेमचंद के परिवार से भी मिलने जाएंगे। बता दें कि अखिलेश के आगमन के संबंध में रविवार की शाम ही गांव के चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा लगा दिया गया था। देर शाम आईजी ने पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम का पूरा खाका तैयार किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।